नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर जी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आपका BSF का एडमिट कार्ड आ गया है। दोस्तों, आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर दोस्तों आप पर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप हमारी दूसरी जो वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई थी उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से आपका ये पेज ओपन होगा, एडमिट कार्ड ओपन होगा। दोस्तों, इसी एडमिट कार्ड में आपका दिया हुआ है डॉक्यूमेंट जो आपको ले जाने हैं, वो कौन कौन से ले जाने हैं, तो वो सब हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन दोस्तों आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इनको आप पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग द एडमिट कार्ड टू गेट एडमिशन इन द एग्जामिनेशन सेंटर विथ ओन फोटो ID प्रूफ फॉर अपेयरिंग फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, आपको एडमिट कार्ड तो ले जाना है। और दोस्तों, इसमें दिया हुआ है, यू शुड प्रिवेंट एट द रिक्वायरमेंट वेन्यू वेल इन टाइम एज पर शेड्यूल। टाइम पर दोस्तों आपको पहुंच जाना है और ये सब चीज़ें दी हुई हैं। इम्पोर्टेंट दोस्तों आपके लिए क्या है, ये वाला पॉइंट जो फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, ये वाला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यू शुड ब्रिंग विथ यू ऑल ओरिजिनल कॉपीज। दोस्तों, ये सब हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों वो दिया हुआ है, यू शुड ब्रिंग विथ यू ऑल ओरिजिनल कॉपीज। दोस्तों, आपको सब ओरिजिनल कॉपी ले जानी है और उसकी दोस्तों एज वेल सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, और दोस्तों आपको उनकी फोटो स्टेट भी ले जानी है और वो आपको स्वयं सत्यापित करनी है दोस्तों, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th और 12th क्लास के दोस्तों सर्टिफिकेट ले जाने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है दोस्तों, OBC SC ST कैंडिडेट्स, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट दोस्तों OBC कैंडिडेट के लिए केवल, और EWS सर्टिफिकेट EWS कैंडिडेट के लिए इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। जो दोस्तों एडवर्टाइजमेंट में जो फॉर्मेट दिया हुआ था उसी फॉर्मेट पर आपको ये ले जाने हैं। NOC फ्रॉम प्रिवेंट एम्प्लॉयर, एंड जो दोस्तों एम्प्लॉयर हैं उनके लिए NOC और डिसिप्लिनरी विलीजियंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दोस्तों, ये एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा था दोस्तों वो ये चीज़ ले जाएंगे। और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए, और दो रिसेंट फ़ोटो ले जाने दोस्तों, पासपोर्ट साइज के दो रिसेंट फ़ोटो। और इसमें यहाँ पर दिया हुआ, नॉन प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन सेल लेड टू डिस्क्वालीफाइंग फॉर विच कैंडिडेट्स हिमसेल्फ हरसेल्फ विल बी रेस्पॉन्सिबल। जो भी दोस्तों आप डॉक्यूमेंट के समय नहीं ले जाएंगे ओरिजिनल, तो आपको फिर कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तों, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट है आपको ले जाने हैं, यानी कि OBC SC ST से आप, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, और दोस्तों 10th 12th के जो सर्टिफिकेट है वो ले जाने हैं दोस्तों। ये तो सभी के लिए 10th 12th, और SC ST OBC वालों के लिए दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, OBC वालों के लिए जो क्रीमी लेयर वाला है दोस्तों नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ये वाला, और EWS कैंडिडेट के लिए EWS सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों यही सब चीज़ें आपको ले जानी है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।